जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, आज माटी इंडिया फार्म्स का तीसरा एपिसोड है और आज का ये एपिसोड मैं इस ट्रैक्टर में बैठकर शुरुआत कर रहा हूँ। और आप ये मत सोचिएगा कि ये ट्रैक्टर यहाँ पर जुताई करने के लिए आया है। इस ट्रैक्टर में आप देखेंगे कि ट्रॉली में पीछे हम लोग प्लांट लेकर आए हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आज का मकसद क्या है, आज के इस तीसरे एपिसोड का मकसद क्या है। जी हाँ, आज से हम लोग प्लांटेशन का काम शुरू कर रहे हैं और आज हमने जो फोकस किया है वो है पहला प्लांटेशन सहजन मोरिंगा यानी ड्रमस्टिक। आप किसी भी नाम से पुकार सकते हैं लेकिन इसका गुण बदलेगा नहीं। और इसका गुण इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि इसमें मेडिसिनल चिकित्सीय गुण है। और जब आप गौपालन करते हैं या ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो गौपालन में सबसे ज़रूरी और जो सबसे कामयाब प्लांट है वो सहजन ही है। इससे जो आपको मिल्क मिलता है या इससे आप जब गाय का घी बनता है वो तो उच्च क्वालिटी का हो ही जाता है, साथ ही जो गायें होती हैं उनके स्टमक के लिए, उनके पाचन तंत्र के लिए सहजन बहुत ज़बरदस्त काम करता है। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा हम लोग कैसे कितने प्लांटेशन कर रहे हैं सहजन के और कितनी कितनी दूरी पर हमने ये फोकस किया है। तो बने रहिएगा अंत तक, पूरा एपिसोड देखिएगा। और हाँ, अगर आप माटी इंडिया के प्रशंसक हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप नए हैं, माटी इंडिया पर पहली बार आए हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और प्लांटेशन का पूरा प्रोसेस आपको दिखाते और समझाते हैं। तो आप ये जो देख रहे हैं ये सहजन की वैरायटी है PKM1। और इसे हमने करीब 1.5 महीने पहले बीज से ये प्लांट तैयार किए हैं, एक नर्सरी तैयार की। लगभग आज जो प्लांटेशन होगा करीब 100 पौधे हम सहजन के अपनी बाउंड्री के चारों ओर लगाएंगे। और कितने कितने गैप में लगाएंगे आप आगे देखेंगे। मेरे साथ अभय रोड जुड़ने वाले हैं अगले कुछ ही मिनटों में। तो वो पूरा प्लांटेशन कैसे होता है और किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है जब आप इस तरह का फार्म डेवलप करते हैं, तो वो सब भी बातें जानेंगे। तो साथियों, जो प्लांटेशन है उसकी शुरुआत इस गेट के पास से शुरू हो रही है। इस जो सीमेंट का ये जो खंभा है लगभग 9 फीट के आसपास था, इससे इसकी दूरी जो है लगभग हमने रखी है 17 फीट, ताकि कभी भी कोई छोटा ट्रक, बड़ा ट्रैक्टर, इसमें सामान अगर आए तो आसानी से आ सके। और हमारा फोकस है कि यहाँ पर यहाँ से आगे तक बेम्बू का प्लांटेशन हो ताकि एक साफ रूट बने। लेकिन इस बार जो पहला खंभा है इससे दूसरे खंभे की दूरी है करीब 10 फीट, और इसीलिए हमने हर खंभे के सामने एक सहजन का प्लांटेशन करने का प्रयास किया है। तो ये लगभग 1.5 से 2 फीट का होगा, क्यों अभय? हाँ जी, 1.5 से 2 फीट का ये प्लांट है। हाँ हाँ। तो ये हमने ये क्यों चूज़ किया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 फीट और हर की दूरी 10 फीट, इसके पीछे का क्या हमने मकसद रखा है? भैया, ये हमने इसलिए रखा है, एक तो हमें जो सहजन हम यहाँ पे लगा रहे हैं ये लीव्स के लिए लगा रहे हैं, तो इसकी हाइट ज़्यादा नहीं लेंगे। जो इसकी लीव्स होंगी वो हम इसको जो हमारे पास होंगी वो गाय को खिलाएंगे, और दूसरा हम इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, और तीसरा रीजन ये है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत अच्छी करता है। और यहाँ पे जो 10 फीट का स्पेस बचा हुआ है उसमें हमारी प्लानिंग है कि हम इसके बीच में कोई से ना कोई सा फ्रूट्स का प्लांट, नींबू, कुछ भी ऐसा लगाए। रीजन ये रखा है इस फैलाव इतना होगा, और यहाँ पे हम तो एक ट्रैक की तरीके से एक बना रहे हैं ताकि हम गौशाला का पूरा हम इस ट्रैक के थ्रू पूरी गौशाला देख सके। पूरा जो व्यू है गौशाला का वो इस ट्रैक के थ्रू हम दिखाएंगे। PKM1 वैरायटी है, PKM वैरायटी हमारी, और ये हमने ही डेवलप किए हैं। और इसको अभी बस थोड़ा सा मिट्टी डाल के और इसको ऐसे ऊपर से, ज्यादा दबाने की जरूरत नहीं है ना अभी। हाँ जी, ये हमारी जो माटी इंडिया फार्म की गौशाला है, ये पहला प्लांट हमने आज लगाया है यहाँ पे, और ये हमने मोरिंगा से स्टार्टिंग की है। मतलब मोरिंगा एक मिरेकल प्लांट है जिसके बहुत सारे न्यूट्रिशन, मिनरल्स, कैल्शियम, हर तरह का विटामिन इसमें है। और ये मतलब मल्टीपल टाइम्स किसी भी चीज में, वैसे बनाना में पोटेशियम ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा पोटेशियम होता है, लेकिन इसमें मल्टीपल टाइम्स बनाना के पोटेशियम है, कैल्शियम दूध में जाता होता है, तो इसमें दूध से भी
कई गुना कैल्शियम है, तो ये हर डिजीज में काम करता है। तो इजीली हमने इसका सिलेक्शन किया है कि इसको गाय को खिलाएंगे सबसे पहले, और जो गाय का दूध घी आएगा वो भी एक मिरेकल आएगा। जो मोरिंगा है वो सबसे तेजी से ग्रो करने वाला प्लांट है। अगर अभी आप हम जैसे मिड अगस्त लगभग चल रहा है, और मिड अगस्त में अगर हम इस प्लांट को अभी लगा रहे हैं 1.5 से 2 फीट के प्लांट को, तो ये अक्टूबर नवंबर आने तक, नवंबर आने तक ये 5 से 6 फीट का हो जाएगा, इतनी तेजी से ये ग्रो करेगा। इसीलिए सबसे पहले हमने इसे चुनने की हमारी ये वजह रहा है मोरिंगा। और जब ये नवंबर तक आप देखेंगे तो ये पूरा बेल्ट ग्रीनरी में बदल जाएगी, और हमारे यहाँ ऐसा नहीं लगेगा कि इस वीरान से प्लॉट में कोई प्लांटेशन नहीं है। हालांकि सेकंड फेज में हम कुछ बीच बीच में नीम के पेड़ भी लगाएंगे। तो ये हमने आपको जैसे बताया कि ये जो आप देखेंगे इस प्लांट से और इस खंभे तक की दूरी ये लगभग 5 फीट रखी है। तो ये 5 फीट का जो है एक आपका पैदल मार्ग है, और कोने में भी अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग एक अलग तरह का प्लांट लगाएंगे। यहाँ पर मोरिंगा नहीं लगेगा, जितने भी कॉर्नर हैं वहाँ पर हमने मोरिंगा लगाने का फैसला नहीं किया है। यहाँ पर या तो हम येलो कलर का जो बैम्बू आता है उसका लुक बहुत अच्छा होता है, तो उससे एक शोपीस के रूप में काम करता है और बहुत अच्छे से, और बहुत बंचेज में ज़्यादा नहीं बनता है, उगता है वो, तो उसको हम लगाएंगे। तो बाकी उसमें हम स्ट्रेट तक सब जगह मोरिंगा ही फोकस करने वाले हैं। तो हम इस प्लांट को देखो, मोरिंगा के दूसरे प्लांट को भी यहाँ पर लगाते हैं। अभी हमारी प्लानिंग यहाँ पे जो मोरिंगा लगाने की थी वो 2 अगस्त की थी, लेकिन उस टाइम पे हमारे प्लांट इतने थे, इतने छोटे थे, और अभी 12 दिन के बाद अभी 1 फीट का प्लांट हो गया है। तो मतलब आप ग्रोथ देखो इसकी, कितना फास्टेस्ट ग्रोथ प्लांट है। और ये मैं तो इसको मिरेकल मानता हूँ, फार्मिंग के लिए, खाने के लिए, किसी भी तरह हर तरीके से ये जो प्लांट है ये पूरा एक मिरेकल प्लांट है। तो जैसे मिरेकल की बात हुई, तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि गायों के लिए या किसी और एनिमल के लिए ही अच्छा है, इंसानों के लिए इसलिए अच्छा है कि इसमें एंटी कैंसरियस, अगर आपको एंटी एलर्जिक गुण हैं, ये सहजन की खूबी है। अगर आप स्टमक के कोई रोगी हैं तो आपके लिए उसमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद देता है। अगर आपको हाजमा आपका ठीक नहीं रहता है तो भी उसके लिए बहुत बढ़िया है। अभी नहीं, ये गलत हो गया। अभी जैसे हमारा जो ये नीचे का तना है, मतलब जो मिट्टी वाला पार्ट है वो बहुत छोटा है, तो और खड्डा ज्यादा गहरा है, तो अभी क्या करेंगे इसमें मिट्टी डाल देंगे थोड़ी, और इसको ऊपर से लगाएंगे ताकि ये इसके ग्राउंड के फ्लोर में आ जाए जो जितना लैंड का लेवल है, और फिर इसमें ऐसे मिट्टी डाल दे। और इसमें अभी भी पानी दे सकते हैं, लेकिन हम लोग इसमें अभी पानी इसलिए नहीं दे रहे हैं, दोपहर का टाइम है, रूट्स पे पानी डालेगा तो गर्म हो जाएगा एकदम से, और अभी इसकी जो ये मिट्टी है इसमें थोड़ा मॉइस्चर है, तो हम इसमें जो पानी देंगे वो शाम को देंगे। चलिए, ये एक और प्लांट लग गया। ऐसे आप देखेंगे हमने सब जगह पहले से छोटे छोटे गड्ढे बना दिए हैं और उनके आगे प्लांट रख दिए हैं ताकि हमारा काम आसान हो सके और हमको जल्दी हो सके। हमने पहले ही ड्रिलिंग कर ली थी यहाँ पर प्लांट लगाने से पहले, और जब ड्रिलिंग हो गई तो हमने सब उनके आगे एक एक प्लांट लगा दिया। अब ये इसको लगाने के बाद शाम को हम इसमें प्लांट कर देंगे, तो कल सुबह तक ये बिल्कुल मिट्टी को आराम से जकड़ लेगा। ये भी लगाते हैं, इसको भी लगाते हैं। तो जो हमारी सोयल है इसकी जो रूट्स है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, और जो इसका पत्ता है अगर हमने जितना यूज किया नहीं तो बाद में ये हमारे मिट्टी को फर्टाइल करने के भी काम आता है। तो इसलिए हमने मोरिंगा का फैसला किया पूरा बाउंड्री पे लगाने का। अभी यहाँ पे जैसे मोरिंगा से स्टार्टिंग हुई है, लेकिन अभी आने वाले टाइम में एक्चुअली मैं फूड फॉरेस्ट को डिजाइन करता हूँ ज्यादा। आपने देखा होगा रोहित भैया के चैनल से कि मैंने बहुत सारे फूड फॉरेस्ट को डेवलप किया है, और हमारा भी मेन फूड फॉरेस्ट है। तो अभी इसमें गौशाला तो हम लोग बना रहे हैं, लेकिन इस गौशाला को पूरा फूड फॉरेस्ट के तरीके से ही डिजाइन करेंगे। ये समझ लीजिए या तो गौशाला के अंदर फूड फॉरेस्ट है या फूड फॉरेस्ट के अंदर गौशाला है। तो यहाँ पे दोनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन आएगा ना, वो एक ऐसा आएगा कि आपका मन करेगा कि एक बार इसको देखा जाए और यहाँ पे रहा जाए पूरा। हम इसको नेचर, जो नेचर लवर्स है ना और काउ लवर्स हैं, उनके लिए इसको डिजाइन कर रहे हैं। और यहाँ पे हम किचन गार्डन, हर्बल गार्डन, बहुत अलग अलग तरह के मेडिसिनल प्लांट्स, और अभी आज मोरिंगा से स्टार्टिंग की है, और अभी आप देखोगे इसमें हम अलग अलग तरह के बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे फ्रूट्स,
वो सब इसमें लगाएंगे, इस जगह प्लांट लगेंगे। हालांकि हमने कुछ बहुत सारे प्लांट्स मंगाए हैं, ये सब कुछ भूमि नेचुरल फार्म से आया हुआ है। ये आपको बनाना का वैरायटी है, ये बनाना की वैरायटी है। इसमें तीन वैरायटी है, एक तो देसी है, एक इसमें इलायची केला है, चीनिया केला है, G9 केला है। तो हम चारों तरह के जो केले हमारे पास है वो सब यहाँ पे लगा रहे हैं। नींबू है इसमें, नींबू की भी 2 से 3 वैरायटी है, और साथ में ये मैंगो है, और ये अंजीर है, ये कस्टर्ड एप्पल है, बैम्बू है इसमें। अभी ये बहुत फर्स्ट फेज के लिए प्लांटेशन आया है। हम आपको दिखाएंगे कि मिट्टी और गोबर के जो घर हैं वो यहाँ पर कैसे बनेंगे, मड हाउसेस कैसे बनेंगे, वो सारी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। यहाँ पर जो हमारा शेड डिज़ाइनिंग होगी गौशाला की, वो नेचुरल तरीके से कैसे हो रही है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर जो नंदी घाणी है, यहाँ पर जो वैदिक चक्की है, वो सारी चीज़ें कैसे लगेगी, आने वाले सारे एपिसोड्स में, अगले 3-4 महीने में, जितने दिन में भी ये रेडी होगा वो सब देखेंगे। तो अपना प्यार बनाए रहेगा, आशीर्वाद भी बनाए रखिएगा। जय गो माता, जय गोपाल।